हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यू ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पार्ट फोर पार्ट थ्री तक हमने 75 क्वेश्चन किए थे उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 76 इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड एच इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम तो हमें बता है करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ईटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड ठीक है और इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है रूट म्यूनोट अपॉन एपसालोट यहां पर क्या दिया ई की वैल्यू दी हुई है तो ई इक्वल टू कितना हो जाता है आपका रूट म्यू नोट अपॉन एपसाल नोट एच तो राइट right ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है राइट right ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इज तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंडक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड वी की भी डायरेक्शन क्या होती है हमें पता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिपोगेशन यानी कि तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो यहां पर पैरल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रॉन्ग आंसर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिपोगेशन तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पावर इज ट्रांसमिटेड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पावर इज ट्रांसमिटेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड पावर इज इक्वली ट्रांसमिटेड अलोंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पावर इज ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन पर पेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब हमारी जो पावर ट्रांसमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग पावर ट्रांसमिटेड होती है हमारी अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस एच पॉइंटिंग क्या कहता है पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया तो पावर कौन सी डायरेक्शन में ट्रांस होगी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो किसकी डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ एस जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वेलोसिटी की और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है दोनों के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन पावर जो ट्रांसमिटेड होगी वो प्रपोगेशन हो की डायरेक्शन में होगी जो कि दोनों के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम स्क्वायर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मीडियम हमें पता है कि किसी भी इम्पीडेंस की बात करें तो एम्पीडेंस क्या होता है हमारा रूट म्यू अपॉन एफसेलम जब हम किसी मीडियम की बात करते हैं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सवेल इन हिज फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोडाइनमिक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ तो मैक्सवेल ने अपनी जो फेमस इक्वेशन दी थी जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस हुए वो वो कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था एज ए करंट दिया था डी करंट डीसी करंट दिया था एसी करंट दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट या इम्पीडेंस तो हमें पता है कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जिसके कारण उसने किसको मॉडिफाइड किया था एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड किया था तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वेव ए रेडियो वेव हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेन टू पावर माइनस थ्री बोल्ट पर मीटर ऑन अराइविंग अराइवल एट ए रिसीविंग एंटीना द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द वेव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है इक्वल टू टेन टू पावर माइनस थ्री पूछा क्या है इसने एच की वैल्यू पूछी है बी की वैल्यू पूछी है मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी, मैग्नेटिक यानी कि बी की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन मार्क ठीक है तो हमें पता है इक्वल e कितना होता है हमारा बी सी तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा अपॉन सी ई की वैल्यू दी है टेन टू पावर माइनस थ्री सी की वैल्यू होती है थ्री इंटू टेन टू पावर एट तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस इलेवन इसमें ऑप्शन में है कहीं ऑप्शन में ये एक तो थ्री यहां पर है टेन टू दी पावर फोर है तो यह हो नहीं सकता लास्ट वाले ऑप्शन में थ्री पॉइंट थ्री है तो हमने इसको थ्री पॉइंट थ्री कर दिया जब हम इसे थ्री पॉइंट थ्री करेंगे तो टेन टू दी पावर कितनी हो जाएगी माइनस ट्वेल्व तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द गॉस थोरम इज तो मैथमेटिकल कौन सी एक्सप्रेशन होती है गॉस थोरम की डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एपस एल नॉट अगर एम के एस पद सीजीएस में देखते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर ए गिवन सरफेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड एज ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट मतलब कि अगर आपको कह रहा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो तो इसका क्या मतलब हुआ इज नेसेसरी जीरो ऑन द सर्फेस इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट द टोटल फ्लक्स थ्रो द सर्फेस इज द फ्लक्स इज ऑनली गोइंग आउट ऑफ द सर्फेस तो हमें पता है कि ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना होता है ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है सरफेस इंट्रीगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज द फ्लक्स तो ये क्या हो गया टोटल फ्लक्स तो इक्वल टू जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया फाइज इज इक्वल टू जीरो इट मीन टोटल फ्लक्स थ्रू द सर्फेस इज जीरो तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो एनी वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब यानी कि एक क्यूब है ये आपका एक क्यूब है ठीक है भाई इस क्यूब की साइड जो ए दी हुई है और इसमें जो चार्ज एंड क्लोज है वो कितना है क्यूब है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ सरफेस इंट्रीगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफसाइल नॉट क्यू इज द एन क्लोज तो ई डॉट डी एस कितना होता है आपका फाइव तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाता है क्यू एन क्लोज अपॉन एफ साइल नॉट हमारे केस में फाइव इक्वल टू क्यू टोटल एन क्लोज कितना है इसके अंदर क्यू तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया क्यू अपॉन एफ साइल नॉट तो टोटल फ्लक्स हमारा आ गया क्यू अपॉन एफ साइल नॉट क्यू अपॉन एफसाइल नॉट जो फ्लक्स है वो कितने फेज का है सिक्स फेज का है कितने का सिक्स फेस का फ्लक्स है आपका क्यू अपॉन एप सैलन नॉट उसने कितने फेस का पूछा है उसने वन फेस का पूछा है तो वन फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका क्यू अपॉन सिक्स एप सैलन तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी द फ्लक्स ऑफ वन फेज इज क्यू अपॉन सिक्स एप सैलन नोट ठीक है भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज कॉज बाई मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा किसके कारण जनरेट होता है ठीक है, है।, है भाई तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसके कारण जनरेट होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड हमारा मूविंग पॉजिटिव चार्ज के कारण ठीक है मूविंग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई भी हो उसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन मूविंग चार्ज हो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे ठीक है उससे मैटर नहीं करता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है नंबर ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल ने कितनी इक्वेशन दी मैक्सवेल ने फोर इक्वेशन दी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो कहां से आई मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल ने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स से दी सेकेंड इक्वेशन को उसने गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टेटिक्स दी थर्ड इक्वेशन को उसने फेराडे लॉ से दिया और फोर्थ इक्वेशन को उसने एम्पियर लॉ से दिया ठीक है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एपसाइल नॉट क्यू एनक्लोज है टोटल सेकेंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो थर्ड फेराडे इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी डेल करली डेल करली डी ठीक है और फोर्थ बी डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट आई तो इन लॉ में कुछ चेंजेस किए और उसने अपनी क्या दी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन तो टोटल कितनी इक्वेशन दी फोर इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी इज तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोकेशन दोनों ही किसी सबके सब क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगर यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता तो वो भी ऑप्शन सही होता तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस ट्रेवल बीथ हमें पता है कि फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी आती है वो आती है वन अपॉन रूट रूट म्यूनोट एफ साल वो ये भी दे सकता था जब इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट की वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन दावर माइनस सेवन और एप्सालन नोट की वैल्यू पुट करते हैं एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व तो हमें जब वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू मिलती है थ्री इंटू टेन टू दावर एट इक्वल टू सी यानी कि वैल्यूसिटी ऑफ लाइट से तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल नन ऑफ पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave क्या होती है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट perpendicular to टू मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट to direction टू डायरेक्शन जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि जब तीनों वाइब्रेशन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ propagation एक दूसरे के perpendicular हो तो वो कौन सी वेव कहलाती है वो ट्रांसवर्स नेचर कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो सेम डायरेक्शन में हो जब वाइब्रेशन और मोशन उस प्रकार की वेव को क्या बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की केस में क्या है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो वो कौन सी नेचर होती है ट्रांसवर्स नेचर सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का शन कॉन्सटेंट से डॉट प्रोडक्ट लें क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो वो कितना आता है जीरो मैग्नेटिक फील्ड का लें तो वो भी कितना आता है जीरो इसका मतलब क्या है कि तीनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है ठीक है, भाई? Next question है हमारा डायवर्जेंस डी इक्वल टू रो इज बेस्ड ऑन तो डायवर्जेंस डी इक्वल टू रो कौन सी लो हो जाती है भाई हमें पता है E dot एस इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साल ठीक है या इसी से देख लेते हैं इसी को हम ले लेते हैं डाइवर्जेंस D इक्वल टू रो D इक्वल टू होता है एफ सालन नॉट ई तो यहां पर पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ साल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो तो डाइवर्जेंस इक्वल टू कितना हो गया आपका रो अपॉन एफ नॉट दोनों तरफ डाइवर्जेंस है तो वॉल्यूमेंट्री कर ले लो तो डाइवर्जेंस ई डी बी इक्वल टू वन अपॉन एफसैल नॉट रो डीबी लेफ्ट हैंड साइड में गॉस डाइवर्जेंस थोरम अप्लाई कर दो गॉस डाइवर्जेंस थॉरम क्या कहती है ए डॉट डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस ए डी बी यानी कि अगर डाइवर्जेंस है वॉल्यूम इंटरगल के साथ तो विदाउट डाइवर्जेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो सरफेस में तो लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दो तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको डाइवर्जेंस हट जाएगा और क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू वन अपॉन एफ साइन नॉट और आपका रो रोडीबी किसके बराबर होता है रो डी बी इज द चार्ज क्यू तो क्यू तो ये कौन सी लो और ई डॉट डी एस को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फाइव इक्वल टू अपॉन एपसाइल नोट अरे दिस इज दॉसलॉ तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई तो ये थे नाइनटीज क्वेश्चन नाइनटींथ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोरी रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे थैंक यू